हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं मुकेश कुमार इस वक्त की लेटेस्ट खबर लेकर आया हूं, जो कि हम देख सकते हैं पीबी के माध्यम से शिक्षा भर्ती 2023 की जो नोटिफिकेशन निकाली गई थी, जिसमें वर्ग 1-2 के लिए जो शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी, तो जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं क्वालिफाइड जो हज़ारों कैंडिडेट हैं बिना बजाय आउट कर दिए गए हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उनके डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे हैं, ना ही वो पात्रता परीक्षा में भाग ले सकते हैं। यह कैसी खबर है आप देख सकते हैं, भोपाल समाचार का प्रकाशन है। स्पष्ट चलते हैं वेबसाइट पर और पढ़ते हैं विस्तार जानकारी पर क्या ट्विटर निकाला गया है, साथ ही जानकारी में क्या खास खबर है, क्योंकि आप देख सकते हैं हजारों कैंडिडेट की बात है जिसको बाहर कर दिया है। आखिर शिक्षा पात्रता परीक्षा में क्या घोटाला चल रहा है, तो लेट्स गो पढ़ते हैं विस्तार से समाचार को। देख सकते हैं मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड हजारों कैंडिडेट बिना बजाय के आउट कर दिए गए हैं, उन्हें बाहर कर दिया है। मध्य प्रदेश चयन मंडल भोपाल की छवि लगातार खराब होती जा रही है। वहीं देख सकते हैं MPESB भोपाल द्वारा इस प्रकार की गलतियां लगातार की जा रही। उम्मीदवार प्रोफेशनल एग्जाम लेने वाली संस्थाएं कतई नहीं की जा सकती। शिक्षक पात्रता परीक्षा में क्वालिफाइड करने वाले हजारों कैंडिडेट को बिना वजह से आउट कर दिया है। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आयु सीमा निर्धारित की गई है विज्ञापन में, उसमें फैंस घोटाला समझ में आ रहा है। स्पष्ट देख सकते हैं ओवर एज होने वाले कैंडिडेट को फैंस बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षा की पात्रता परीक्षा हेतु अधिकतम आयु 42 वर्ष रखी गई है। 42 वर्ष की आयु वाले उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता में शामिल हो सकते हैं, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा पिछले 3 वर्षों में कोई चयन परीक्षा संचालन न करने के कारण इन्हें 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई थी। वहीं अभ्यर्थी उच्च माध्यमिक शिक्षा पात्रता में शामिल होकर क्वालिफाइड हुए हैं, लेकिन स्वाभाविक क्वालिफाइड करने के वाले ऐसे भी उम्मीदवार की आयु 40 वर्ष से अधिक हो गई है, उन्हें कुछ भी फैन लाभ नहीं मिल रहा है। वर्तमान में कर्मचारी चयन मंडल द्वारा परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें उच्च माध्यमिक शिक्षा परीक्षा में शामिल हेतु अधिकतम आयु 40 वर्ष घोषित की गई है। परिणाम स्वरूप पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी चयन परीक्षा में शामिल होने से वंचित हैं। कर्मचारी चयन मंडल ने पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड 40 से अधिक आयु वाले कैंडिडेट को बिना किसी गलती से आउट कर दिया है। तो मैं एक बात कहूँ, आप देख सकते हैं सामान्य प्रशासन के द्वारा जो 3 वर्ष का रिलैक्सेशन मिला था, उस आदेश के थ्रू एक आप देख सकते हैं क्रमांक के अनुसार, क्रमांक याद नहीं आ रहा, विज्ञप्ति में देखिए उसमें मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप इसमें शामिल हो सकते हैं। मेरी बात गौर से सुनिए। अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी उच्च न्यायालय के द्वारा पात्रता परीक्षा अभ्यर्थी को चयन समय में वंचित किया जाना सामान्य प्रशासन की नीति संहिता उल्लंघन में है। तो आप देख सकते हैं उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है, पात्रता परीक्षा में शामिल होने का अवसर इन्हें दिया जाएगा। आप देख सकते हैं 1 जून तक इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्राइब करें और लिंक प्राप्त मिल जाएगी A to Z खबर के लिए। आप हमारे चैनल को जरूर विजिट कर सकते हैं, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जिसके माध्यम से शिक्षा जगत की सभी प्रकार की खबर पा सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।